भी आपको पता तो चल गया होगा टाइटल से मैं जा रहा हूँ अमृतसर फर्स्ट सोलो ट्रिप पे। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और मेरी ट्रेन है 6:40 की, टाइम हो चुका है 6:15, टिकट लेते पहले उसके बाद मिलते हैं। और मैं तो सोच रहा था मेरी ट्रेन ऐसी होगी, बट यार ये तो अच्छी है भाई, मैं अंदर गया नहीं हूँ। चलो जी पहले बोर्डिंग कर लेते हैं। एक दिक्कत हो गई है, हमारी ट्रेन चलेगी इधर की तरफ और मेरी सीट का मुंह इधर की तरफ, तो थोड़ा मोशन सिग्नल्स होने वाला है। कंफर्टेबल है, एडजस्टेबल है और बेस्ट भी है। मुझे टाइम हो चुका है 12:30 और ऑलमोस्ट हमने लुधियाना क्रॉस कर दिया है। और ट्रेन में बहुत दिनों बाद सफ़र कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा ओड सा फील हो रहा है। ट्रेन में थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है मुझे व्लॉगिंग करने में। जी आ गए जी अमृतसर, और अकेले तो आते आते बोर हो गए। अब ट्रेन से उतरने के बाद अच्छा लग रहा है। अब फ्री सेवा वाली बसें तो मेरे ख्याल से फुल जाती हैं, वहाँ से भर के जाएंगी वो। तो यहाँ से जो ये सब खड़े हैं ये फ्री बस के लिए खड़े हैं जी। अब चलते हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ, होटल वगैरह लेंगे, वहाँ थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि सुबह से भागे जा रहा हूँ। फिर उसके बाद घूमेंगे पार्टीशन म्यूजियम, क्योंकि वो 6 बजे तक खुला रहता है और मंडे को रहता है वो बंद, ऐसा मैंने सुना है। तो जी होटल कुछ हमारा ऐसा है, बाथरूम वगैरह भी देखोगे क्या? अपने को देख लो, अपने ऐसा लग रहा बस, और कुछ मत देखो। चलो जी अब थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाते हैं क्योंकि इसके बाद घूमेंगे यहाँ अमृतसर में पार्टीशन म्यूजियम में। मैं आप सभी को आज सिर्फ पार्टीशन म्यूजियम दिखाने वाला हूँ। जलियांवाला बाग आज देखूँ कल देखूँ पता नहीं, देख लेंगे। मैं आ गया पार्टीशन म्यूजियम को एक्सप्लोर करने के लिए, और मैं अपने इस प्रोकस कैमरे की भी क्वालिटी चेक कर रहा हूँ कैसी इसकी ऑडियो क्वालिटी आती है आप सभी के लिए। ये थोड़ा वाइड एंगल है और ये थोड़ा कम वाइड एंगल है। अगर इसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी तो कल मेरे लिए आसानी रहेगी वाघा बॉर्डर में ले जाने के लिए दो दो कैमरों से व्लॉगिंग। अभी यहाँ थोड़ा मेंटेनेंस का काम चल रहा है सब जगह पर, और अभी यहाँ से टिकट लेके अंदर म्यूजियम में जाएंगे, देखेंगे क्या क्या कहानी है वहाँ की। तो 10 सुबह की टिकट है, टिकट मिलती है इसके म्यूजियम के बिल्कुल साइड से। टाइमिंग है इसकी 10 से 5:30 बजे तक, मंडे को क्लोज रहता है। म्यूजियम में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। म्यूजियम में वीडियो शूट तो अलाउड नहीं था, ना ही फोटो खींच सकते हैं, बट अगर आप यहाँ अमृतसर एक बार आओ ना तो यहाँ जरूर आना। यहाँ ना गूज़बम्प आ रहे थे उन्हें देख के ना, जो पार्टीशन के टाइम पे हुआ था, जब वहाँ की पब्लिक यहाँ आ रही थी, यहाँ की पब्लिक वहाँ जा रही थी, जो भी हुआ था वो सबको पता है, पर आप यहाँ देख सकते हो आकर। बस इतना कहना चाहूँगा अगर आप यहाँ आओ अमृतसर तो एक बार ज़रूर यहाँ पार्टीशन म्यूजियम ज़रूर घूमना, और उसकी टाइमिंग मैंने आपको बताई दी थी। कुछ यहाँ घर भी बने हुए हैं जो उस टाइम पे टूटे थे। तो जब मैं शूट कर रहा हूँ अपने एक्शन कैमरे से, देखते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है, क्योंकि थोड़ा ये वाइड एंगल है, पूरा अच्छे से कवर करेगा सब तरफ, इसलिए मैं अपने एक्शन कैमरे को यूज़ कर रहा हूँ। और अभी आप जो है ना ये पूरा दिन में देख लो, क्योंकि मैं आपको रात में भी दिखाने वाला हूँ कैसा लगता है, कितना खूबसूरत रहता है रात। दिन में थोड़ी चहल पहल कम है पर अच्छा है, कम है तो भी बहुत अच्छा। ये पूरी पार्किंग है, कितनी खूबसूरत पार्किंग बना रखी है, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है सब चीज़ को। और ये रोड है, यहाँ चल रही है पब्लिक, बाइक वगैरह ऑटो वगैरह बस भी सब चीज़ चल रही हैं, और कितनी बड़ी LED लगी हुई है ये, और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। मौसम तो होने वाला है यहाँ ऐसा। और ये फ्री बस सेवा वाला स्टैंड है सामने, और ये सामने अमृतसर हवेली, द अमृतसर हवेली, ये भी बहुत खूबसूरत है। अगर आप वीडियो को 1080 में देखोगे, मीन्स यूट्यूब पे जब आप HD में देखोगे तो बहुत अच्छी वीडियो दिखाई देगी ये वाली भी, क्योंकि 4K कैमरा ये भी।
जलियांवाला बाग की तरफ, ये पीछे मेरा जलियांवाला बाग है और अभी यहाँ भी काम चल रहा है जलियांवाला बाग में भी, सब मेंटेनेंस का काम चल रहा है सब जगह पर अपने बैठ लगे। पूरे में इधर काम चल रहा है पीछे। और जलियांवाला बाग की कहानी तो आप सभी को पता ही है कि यहाँ क्या हुआ था। ये सब गोलियों के निशान है, जो भी ये वाइट उससे सर बना हुआ है स्क्वायर, सब जगह नीचे भी ये भी वॉल है। अब इसकी हिस्ट्री तो पता नहीं है क्योंकि काम चल रहा है, तो जो लिखा हुआ भी होगा नहीं है, हटा रखा है। जो भी ये निशान लगे हुए हैं तो यहाँ से भी गोली वाले निशान हैं जहाँ पर गोलियाँ लगी थी अगर। और ये पता नहीं क्या है, स्मारक के तौर पे बना रखा है। तो ये चलते हैं अब जलियांवाला बाग से बाहर निकलते हैं। बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए और उस चीज़ को फील करने के लिए। सब जगह काम चल रहा है इसलिए ना तो कुछ सही से देख पा रहे हैं और ना ही कुछ इस बारे में लिखा है कि एग्जैक्ट यहाँ पर क्या हुआ। कभी आप आओ, जब भी बन जाएगा ये तो घूमना, बहुत अच्छे से काम चल रहा है यहाँ पर। जब बन जाएगा तब बहुत ही खूबसूरत और अच्छे से प्रेजेंटेशन होगी आप सभी के सामने। और बहुत बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं यहाँ पर और वो जो कुआं था वहाँ की एंट्री बन कर रखी। मिलते हैं कहीं बाहर। क्या नाम है इनका? मूंग दाल के लड्डू। पकौड़े नहीं है, लड्डू है ये। तो ये ट्राई करते हैं इन्हें, यहाँ की फेमस चीज़ है। कैसे खानी है? हाथों से। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सुबह से ही व्लॉग में शूट कर रहा हूँ और मैंने पार्टीशन म्यूजियम दिखाया आप सभी को, जो भी जितना भी दिखा पाया, दिखाया क्या बाहर से दिखाया, क्योंकि अंदर तो उन्होंने बंद कर रखा। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और जलियांवाला बाग तो काम चल रहा है बहुत ज़्यादा उसमें, तो उसमें तो मैं कुछ भी दिखा नहीं पाया, जो भी दिखाया इतना ही। तब पर जब वो बन जाएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि रात को मैं जाऊंगा गोल्डन टेंपल में दिखाने वाला हूं आपको बहुत अच्छे से, जैसे मैंने सोच रखा कि बहुत अच्छे से दिखा दूं। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। तो इसी नोट पर करते हैं वीडियो क्लोज। थैंक यू मेकिंग पार्ट ऑफ देगा इसी उतना नेक्स्ट लोग बब्बा लव टेक हाफिज़ फॉलो योर ड्रीम्स। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है यार एक साथ में बोलना। जाओ फॉलो करो, जाओ। Hey guys, very first good morning from New Delhi Railway Station and welcome back to my channel. I hope you guys doing absolutely fine. तो मैं जा रहा हूँ अपनी first solo trip पे। मैं भी आपको पता तो चल गया होगा title से, मैं जा रहा हूँ अमृतसर और मेरी ट्रेन है 6:40 की, टाइम हो चुका है 6:15 और मैं सुबह उठा था कितने बजे, 4 बजे। नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा।